राजधानी दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह ने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित एक बच्चे की मदद के लिए क्राउड फंडिंग में योगदान देने की अपील की है। दरअसल विहांत जैन नामक बच्चा स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित है, जिसकी मदद के लिए आप सांसद संजय सिंह आगे आए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे के माँ पिता की पीड़ा में आपके सामने आया हूँ और इस मासूम बच्चे की पीड़ा लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि इस बच्चे के डॉक्टर ने बताया है कि सीएमए टाइप 2 की बीमारी है। 2 साल तक बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगा तो बच्चे को गंभीर खतरा हो सकता है। इंजेक्शन इस बीमारी में महंगा होता है, 17 करोड़ का इंजेक्शन लगता है और 2 साल की उम्र पूरी होने तक नहीं लगा तो बच्चे के जीवन के साथ गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि बच्चे के पिता इंजीनियर हैं, मां सीए हैं, मां ने अपने बच्चे के लिए नौकरी भी छोड़ दी है। दिल्ली के लोग से विनती है कि नगर में रहने वाले बच्चे की मदद करें। कांग्रेस बीजेपी के मित्र सामाजिक संस्था सबसे अपील है, विहान जैन के जीवन को बचाने में मदद करें। मीडिया के लोगों से भी अपील है और सरकार से भी अपील है। मैं अपनी ओर से 1 लाख रुपए की धनराशि का सहयोग कर रहा हूं। जो इस बीमारी से पीड़ित बच्चे हैं उनको सस्ता इंजेक्शन मिले, इतना महंगा इंजेक्शन कौन लगवा सकता है। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। एक माँ की पीड़ा आपके सामने लेके आया हूँ, उसके पिता की पीड़ा लेकर आपके सामने आया हूँ, एक मासूम बच्चे की पीड़ा आपके सामने लेके आया हूँ और ऐसी अपील और ऐसी मुहिम पहले भी आप लोगों के सहयोग से मैं चला चुका हूँ। ये जो मासूम बच्चा आप गरिमा जी की गोद में देख रहे हैं, विहंत जैन इसका नाम है और डॉक्टरों ने इसको बताया है कि SMA टाइप 2 की इसको बीमारी है, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी टाइप 2, जिसमें डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि अगर 2 साल की उम्र तक इस बच्चे को इंजेक्शन नहीं लगा तो फिर इसके जीवन के साथ गंभीर खतरा और संकट हो सकता है। और हम सब की मानवीयता के नाते, इंसान होने के नाते ये जिम्मेदारी बनती है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये जो इंजेक्शन लगता है ऐसी बीमारी में वो बहुत महंगा होता है अपने आप में, वो किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए उसका खर्च उठा पाना संभव नहीं है। 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगता है, 17 करोड़ रुपए का इंजेक्शन अगर इस बच्चे की 2 साल की उम्र पूरे होने तक उस इंजेक्शन की शुरुआत नहीं हुई तो इसके जीवन के साथ बहुत गंभीर संकट पैदा हो जाएगा। इनके पिताजी इंजीनियर हैं, इस बच्चे की मां जो है वो उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री उनके पास है, सीए है, लेकिन अपनी नौकरी छोड़ दी बच्चे की वजह से। तो मैं इस देश के लोगों से, दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर विनती और अपील करना चाहता हूं, इस बच्चे का जीवन बचाने के लिए आप लोग आगे आइए। जो कुछ भी आपसे संभव हो, 100 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए से लेके 10 लाख रुपए तक या उससे ज्यादा, जो आपकी क्षमता हो, मैं दिल्ली के लोगों से हाथ जोड़कर विनती और अपील करना चाहता हूं कि त्रिनगर के रहने वाले गरिमा जैन के इस बच्चे विहन जैन की मदद में आगे आइए। मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी अपील करूंगा, सभी पार्टियों को, और इसमें कोई पार्टी की सीमा नहीं है, बीजेपी के हमारे जो मित्र हैं, कांग्रेस के जो मित्र हैं, जो किसी भी दल से जुड़े हुए हैं, किसी भी संस्था से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संस्थाओं के लोग हैं, मंदिर संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों, मैं सबसे अपील करता हूं, जैन धर्म के मानने वाले हमारे लोग हैं, सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, इस पुनीत कार्य में, इस सेवा के कार्य में, इस
जीवन को, विहंत के जीवन को बचाने की मुहिम में आगे बढ़िए और मदद कीजिए।